अपने चैनल में अरहान एंटरटेनमेंट में मैं हूँ आशीष शेख। तो आज हम लोग बात करें नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक नई मूवी के बारे में जिसका नाम है इन द शैडो ऑफ द मून। इस मूवी को डायरेक्ट किया जी मिगेल ने। इसमें हमें लीड रोल में नजर आते हैं बर्ड होलब्रुक और क्लियोपेट्रा कोलमैन। ये 2 घंटे की मूवी है, उससे ज्यादा नहीं, और ये एक साइफाई मिस्ट्री से भरपूर मूवी। और ये मूवी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, इस वजह से मैं इसके रिव्यू कर रहा हूं। और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में भी मिल जाएगी। अगर कहानी की बात करें तो कहानी है कि 1988 में अमेरिका के एक शहर फिलाडेल्फिया में कुछ लोगों की सडनली मौत होती है, और जितने की भी मौत होती सबकी वजह एक ही होती है, ब्रेन हेमरेज, और सबके सर के पीछे 3 निशान होते। तो वहां के एक ऑफिसर जिसका रोल प्ले करे बॉयड होलब्रुक, जिसका नाम होता है इस मूवी में थॉमस, वो एक ऑफिसर तो होते लेकिन उनके अंदर डिटेक्टिव का एक कीड़ा होता है। तो वो सोचती है जितने लोगों की मौत सडनली हो गई, और हुई तो सबकी मौत एक ही वक्त पे हुई, एक ही तरीके से हुई, और सबके सर के पीछे 3 निशान है क्या। तो वो इस केस के लिए इन्वेस्टिगेशन करते करते तभी एक चौथा विक्टिम भी सामने आता है। लेकिन उससे पहले थॉमस ऑलरेडी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाके वो जितने भी लोग मरे थे तो डॉक्टर से पूछता है कि इन लोगों के पीछे सर पे जो निशान है उसका वजह क्या है। तो वो बोलता है कि ये किसी तरीके की इंजेक्शन है जिसकी वजह से इन लोगों को सडनली ब्रेन हेमरेज हुआ, और इनके जो भेजा है वो पिघल के इनके नाक से इनके मुंह से बाहर निकल गया। तो वो जो चौथे विक्टिम के पास जाता तो उसको बताता नहीं कि एक्चुअली तुमको हुआ क्या, लेकिन उससे पूरा जो लड़की इस पर हमला करी उससे पूरी हुलिया पूछ लेता, वो कैसा दिखती है, क्या कपड़ा पहनती, सब कुछ पूछता। और वो बोलता है दूसरे ऑफिसर को ये लड़की अभी तुरंत मर जाएगी, और ऐसा ही होता है, वो लड़की ऑन द स्पॉट मारी जाती है। लेकिन इससे फायदा ये होता है कि उसको उस लड़की उस सीरियल किलर का होलिया मिल जाता है जिससे उसको उसे पकड़ने में हेल्प हो जाती है। लेकिन जब वो और इन्वेस्टिगेशन करता तो वो लड़की एकदम उसके सामने आ जाती है, फिर उसको पकड़ने कुछ करता तो गलती से ये लड़की उससे मारी जाती है, यानी जो सीरियल किलर है वो इससे मारा जाता है। तो आप लोगों को लग रहा हो कहानी यहाँ खत्म होगी, तो कहानी यहाँ पे खत्म नहीं, कहानी तो अभी शुरू हुई है। क्योंकि वो लड़की 9 साल के बाद फिर से वापस थॉमस की जिंदगी में, यानी कि फिलाडेल्फिया शहर में आती है, और वो काफी लोगों को उसी तरीके से मारती है। तो अब ये लड़की जब ऑलरेडी 9 साल पहले मर चुकी थी, 9 साल बाद जो लड़की है ये कौन है, क्या ये वही लड़की जो 9 साल पहले थी, और ये क्यों लोगों को मार रही है, ये कौन सा ऐसा इंजेक्शन है जिसकी वजह से लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, और वो लड़की आई तो आई कहां से, क्या थॉमस उस लड़की को पकड़ पाएगा। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी जिसका नाम है इन द शैडो ऑफ द मून। मैं आपको इस मूवी के बारे में इतना ही कह सकता कि ये मूवी बहुत ज्यादा टेरिफिक है, मतलब आपका इतना इंटरेस्ट होगा क्योंकि जब ये मूवी स्टार्ट हुई थी मुझे ऐसा लगा था ये कौन सी मूवी देगा, लेकिन जब इस मूवी 5 से 10 मिनट हुआ ना इस मूवी का, उसके बाद जो इंटरेस्ट बिल्ड हुआ रहा, मैं 2 घंटे तक जगह से हिला नहीं, पूरी की पूरी मूवी देखा मैंने। और मूवी मुझे पर्सनली इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि मैं सोचा क्यों ना इसका रिव्यू किया जाए। एकदम मुझे ऐसा लगता है नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई वन ऑफ दी मास्टरपीस ही कहूंगा, जिस तरीके से इसका डायरेक्शन, जो इसका कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा। और परफॉर्मेंस वाइज मुझे ब्लड होलब्रुक की जो रोल प्ले के पुलिस ऑफिसर का शानदार परफॉर्मेंस लगा, रियली इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस लगा, मैं आपको क्या बोलूं। ये मूवी लगभग 4 चैप्टर में, तो वो 4 चैप्टर क्या है ये देखने के लिए आप ये मूवी जरूर देखना। आपको ये मूवी मुझे पर्सनली अच्छी लगी तो आप लोग को भी अच्छी लगेगी ये मूवी। अगर आप लोगों को नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे टेलीग्राम में जाइए, आपको मैं इस मूवी का लिंक दे दूंगा, वहां जाके देख लेना। ये मूवी हिंदी में भी है। तो यार इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करना, और जो साथ ही बेल आइकन उसे भी प्रेस कर देना। अगर ये मूवी का एंडिंग आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि इसका एंडिंग एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ही इसका एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मूवी देखा मुझे समझ में आ गई इसकी एंडिंग क्या, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। लेकिन अगर फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो गए तो इसका एंडिंग मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि मुझे कमेंट करके बता देना कि भाई इसका एंडिंग एक्सप्लेन करो। तो यार इस वीडियो में इतना, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दिन